तो हाथ मिलाना आधुनिक समाज में अभिवादन का प्रतीक है, हम सब जानते हैं, लेकिन आप इसका क्या मतलब निकालते हैं ये आप जाने। लेकिन यूपी के पर्यटन विभाग की नजर में इसका गलत मतलब हो सकता है, शायद आप संदेह के घेरे में भी आ जाएं। पर्यटन विभाग की वेबसाइट की एक लाइन कुछ यही कहती है। अद्भुत धरोहर, अविश्वसनीय अनुभव, स्लोगन है प्रदेश के पर्यटन विभाग का। वाकई अद्भुत है उत्तर प्रदेश, अद्भुत है पर्यटन विभाग, और उससे भी ज्यादा अद्भुत है उनके फैसले। फैसले ऐसे कि सामने वाला समझ ही ना पाए कि विभाग छुआछूत की बीमारी को रोकना चाहता है या छेड़छाड़। मशहूर शायर बशीर बद्र ने लिखा, कोई हाथ भी ना मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से। अब प्रदेश का पर्यटन विभाग उसमें परिवर्तन करते हुए कह रहा है कि कोई ताजमहल भी ना दिखाएगा, जो हाथ मिलाओगे तपाक से। विदेशी पर्यटकों को साफ शब्दों में सलाह दी गई है कि क्या करे और क्या ना करे। लिखा है कि अपोजिट सेक्स से हाथ मिलाने से बचे, और तो और पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने भी इस सलाह को सही ठहरा दिया। हवाला देश की संस्कृति का दिया, दूसरी वजह बताई कि हाथ मिलाने का गलत मतलब निकाल लिया जाता। प्रदेश के पर्यटन मंत्री से ठीक पहले देश के पर्यटन मंत्री भी कुछ ऐसा ही बयान दे चुके, जब पर्यटकों के कपड़ों पर सेंसर लगा दिया संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने। पर्यटकों को जब वो एयरपोर्ट पर आते हैं उनको एक वेलकम किट दी जा रही है। हमने बताया कि भाई आप छोटी जगहों पर रात रात के टाइम अकेले ना निकलें, स्कर्ट्स पे ना पहने। सवाल उठता है, क्या वाकई हाथ मिलाने से संस्कृति पर कोई संकट आएगा या गलत मतलब निकाल लिया जाएगा? आखिर ऐसा क्या मतलब है जिससे पर्यटन विभाग परेशान हो गया, या फिर अद्भुत आदेश देने की होड़ मची है पर्यटन विभाग? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ यदवीर से समाचार। तो ये कौन सा तरीका है पर्यटन को बढ़ावा देने का, पर्यटकों को लुभाने का, और ये कौन सी तरकीब है, कौन सा मिजाज है लोगों को समझाने का कि हमारे प्रदेश में आइए तो फिर इस तरह से आपको रहना होगा। परिचय मैं आपका करा दूं, बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ओंकार नाथ सिंह साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, अमित पुरी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेता है, दिग्विजय सिंह देव मेरे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता है, रामेश्वर पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले दिग्विजय जी आप ही के पास आना चाहूंगा। सर ये वेबसाइट पे आप असल में समझाना क्या चाह रहे हैं, हाथ मिलाने से ऐसा क्या हो जाएगा कि प्रदेश की छवि खराब हो जाएगी, इसके पीछे का निहितार्थ है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ना उसमें किसी की छवि खराब हो रही है, कुछ एहतियातन चीजें रखी गई होंगी हो सकता है सुरक्षा के। सर ये एहतियातन है, सर ये एहतियातन है। अब आप देखिए चीज हर चीज को घसीट के किसी दूसरी तरफ ले जाए वो अलग की बात है। एहतियातन सुरक्षा की दृष्टि से रखा गया है, अजनबियों से हाथ ना मिलाए ऐसा कुछ रखा गया होगा सुरक्षा की दृष्टि से। आपको ये क्लियर भी नहीं है आपकी वेबसाइट पे लिखा क्या गया है? एहतियातन रखा गया होगा और उसमें कोई मंशा नहीं है इस तरह की अपोजिट शख्स से हाथ ना मिलाने वाली कोई बात कोई किसी तरह का। अच्छा कौन सा एहतियातन आपको समझ में आता है सर, कौन सी वजह हो सकती है जरा समझा दीजिए हमारे दर्शकों को, कौन सी खास वजह होगी बता दीजिए। देखिए ऐसा है जब बाहर के पर्यटक हमारे आते हैं, आपको मैं बता दूं आज उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा पर्यटक करीब तीसरे नंबर पर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं विदेशों से। एहतियातन रखा हुआ नॉर्मल आदमी जैसे यूपी का आप पता तो लगा नहीं सकते कौन कैसा व्यक्ति है। एहतियातन तो सर आप प्रदेश के बासिंदों को शक के घेरे में लेके आ रहे हैं ना, प्रदेश के बासिंदों। नहीं नहीं आप देखिए ऐसा पूरे प्रदेश को आप अच्छा अब किसी बात अगर हम किसी बात से आगाह करेंगे तो उसका मतलब क्या वो पूरा प्रदेश सबके घेरे में आ गया। आपके प्रदेश में घूमने के लिए लोग आएंगे और आप कह रहे हैं कि प्रदेश के लोगों से हाथ ना मिलाइए थोड़ा दूर रखिए, तो फिर क्या मतलब है इसका सर? और उसके बाद सुनिए आपके टूरिज्म मिनिस्टर ये भी कहते हैं कि हमारे देश की संस्कृति अलग है, यहाँ हाथ मिलाने का कुछ और मतलब निकाल लिया जाता है, ये कुछ और भी समझा दीजिए मुझको। आप देखिए माननीय पर्यटन जी मंत्री जी ने क्या कहा ये उनका अपना मत है, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है हमारे यहाँ बहुत तेजी से विदेशी पर्यटक की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, और जहां तक संस्कृति का मामला है मुझे बढ़ोतरी सर आगे कैसे बढ़ पाएगी? सर आप तो पहले डरा रहे हैं, आगे के लिए डरा रहे हैं लोगों को।
हम डरा नहीं रहे सर, हम डरा नहीं रहे, जब हम स्पष्ट कह रहे हैं चीजों को। अब आप क्या आप आदमी को एहतियातन या सुरक्षा की दृष्टि से बातें नहीं कहेंगे क्या? आप उसको सिर्फ आप समझा भी तो नहीं पा रहे, आप मुझे समझा भी नहीं पा रहे, आप मुझे समझा दीजिए फिर ये एहतियातन कौन सा था, कौन सा प्रिकॉशन है? अगर मैं आपसे हाथ मिला लूंगा तो मैं किस चीज से बच जाऊंगा ये बता दीजिए ना आप। अच्छा क्यों, अच्छा रेलवे स्टेशन पे क्यों कहा जाता है कि अजनबी के हाथ से कुछ ना ले? सर हाथ मिलाना और किसी के हाथ से खाना दोनों चीजों में अंतर है। दोनों चीजें हो सकती है, हाथ मिला के हाथ, अरे क्यों नहीं हो सकता है? हाथ मिलाने से क्या चीजें, आप अगर किसी के हाथ में कुछ महंगा सामान गाड़ी कोई खोल ले तो क्या कर लोगे? सर नहीं समझा पा रहे आपके दो शब्दों को मैच नहीं कर रही है। आप सुन लीजिए, आप हमारी दलील को समझा ही नहीं पा रहे हैं। अरे मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, बताइए। आप हमारे जो हमारी ये जो हमारी वेबसाइट पे जो ये चीज दिखाई जा रही है उसको आप जोड़ रहे हो, वो जो देश के पर्यटन मंत्री ने स्कर्ट वाली छोड़ दीजिए, आप तो फॉलो कर रहे हैं ना उनको, छोड़ दीजिए। अमित पुरी जी किसी से हाथ मिलाने पे ऐसी कौन सी खतरनाक चीज हो जाएगी जिससे बचा जा सके? कैसी खतरनाक चीज हो जाएगी? अब सुन लीजिए, विषय को रखो कहिए सर पहले ये कंक्लूड कर ले फिर मैं कहिए जनाब, हो गई उनकी बात, वो नहीं समझा पाए आप बताइए। देखिए घनश्याम जी, दो अलग अलग फुटिंग पे चर्चा, तीन बल की फुटिंग है। एक है एडवाइजरी, एक है डिक्टेट। किसी भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के अंदर वो दो तरीके की एडवाइजरी जारी करते हैं। एक तो उनकी कंट्री में विजिट करने वाले फॉरेनर्स को बताते हैं कि भाई ये एडवाइजरी है, एडवाइजरी का मतलब डिक्टेट नहीं होता, ये ना करें। डिफेंड करने लगे, मैंने तो बीजेपी पे आया नहीं, एक मिनट, मैं अभी आपको आया भी नहीं, अभी तो मैंने कहा भी नहीं, घनश्याम जी बीजेपी नहीं किया, नहीं आप पहले मुझे और कांग्रेस का सवाल नहीं है, आप पहले ही समझ गए, बीजेपी और कांग्रेस का सवाल नहीं है। देखिए इश्यू को अगर विजाविज रखने के लिए आपने पॉलिटिकल राय के लिए लोगों को बुलाया, आप कंडेम करें, आप एग्री करें डिसएग्री करें, लेकिन वर्जन होने दिया कीजिए। सर मैंने आपके हाँ। कहे बयानों पे तो सफाई मांगी नहीं, मैंने कहा मैंने बात ही नहीं कही, मैंने बीजेपी के नाते से बैठा हूं, इसलिए हर चीज कंडेमने में करूंगा, इस स्टेट की पॉलिटिक्स की ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। सर पहले से आपको सेफ पैसेज में लेके क्यों चल रहे? मैंने एलिगेशन ही नहीं लगाया सर अभी, तो मैंने उस बाबत सवाल ही लगता भी तब भी मुझे कहना था, मैं कहता। अच्छा फिर भी आपको पता था अगला सवाल ये हो सकता है, चलिए बोलिए आप। मैंने ये कहा ही नहीं, आप घनश्याम जी अपना पिन पॉइंट क्वेश्चन कर लीजिए तब मैं बेटर आंसर। सर बोलिए पर मैं आपकी स्टेटमेंट पहले उस पे चाह रहा था जिस पे हमारा मुद्दा है। मैं स्टेट की साइड चाह रहा था, हर आदमी का एक पिरामिड ऑफ आर्ग्यूमेंट होता है, कहिए आप कहिए, चलिए पिरामिड ऑफ आर्ग्यूमेंट को डेवलप करने दे। सही, पर हम विषय के साथ रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। मैं विषय के साथ ही हूँ, कहिए मैं विषय से अन्यत्र कभी बात रखता भी नहीं। कहिए जनाब, कहिए। मैंने कहा कि हर कंट्री की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में फॉरेन टूरिस्ट के लिए एडवाइजरी जारी करने की एक परंपरा सी है और ये वर्ल्ड वाइड है हर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में। सर डिक्टेट अलग चीज है और एडवाइजरी अलग चीज है। कंट्रीज अपने नेटिव सिटीजन के लिए भी जब एडवाइजरी जारी करती है फॉरेन टूर में तो उसका मतलब किसी देश की इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स दो अलग अलग फ्रेमवर्क है। ठीक है, जब हम कहते हैं किसी कंट्री में जाइएगा अपने नेटिव सिटीजन से ये करिए ये ना करिए तो हम उनके इंटरनल हालात पे टिप्पणी नहीं करते, वो हम अपने सिटीजन को सेफ गार्ड करने के लिए करते हैं। पहली बात, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट के ऊपर अगर वो एडवाइजरी है तो एडवाइजरी में कहीं कोई गलती नहीं है। अच्छा, इस हर देश का एक बेसिक कल्चर है, आप फ्रांस में जाओगे बॉन्ज्यू करोगे, रशिया में जाओगे दस्तदानिया करोगे और हिंदुस्तान में आएंगे तो आप नमस्ते ही करेंगे। ये देश का फंडामेंटल है, वेदर वन एग्रीज और डिसएग्रीज। ठीक है, लेकिन ये फंडामेंटल है सर, लेकिन हर कंट्री का अपना अपना है। सर आप ठीक है, आप डिफेंड करना मैं समझ पा रहा हूँ आपकी इसके पीछे मंशा, लेकिन सर फिर भी फंडामेंटल मुझे पॉलिटिकल कलर्स पे आर्गुमेंट नहीं बदल सकते। फिर मुझे ये भी समझा दीजिए ना, फिर पर्यटन मंत्री ये कहें कि हमारे देश की संस्कृति अलग है, यहाँ हाथ मिलाने का गलत मतलब निकाल लेते हैं, ये कौन सी एडवाइजरी है सर? वो उनका एक्सेसरी था, वो एडवाइजरी नहीं है, वो पर्सनल रिएक्शन था ओम प्रकाश सिंह का, जिसे वो ही डिफेंड या ऑफेंड कर सकते हैं, बाबू अमित पुरी नहीं कर सकते। डिफेंड तो आप उनके एडवाइजरी को भी कर रहे हैं ना, उनका एडवाइजरी जहां तक है एडवाइजरी सही है। समझ गया सर, मैं समझ गया, एडवाइजरी सही है। ठीक है सर, ओंकार नाथ जी
इस पूरे मामले को आप कैसे समझते हैं और उन दलीलों को भी जो अमित पुरी साहब बिना बताए बिना मांगे भी दे रहे हैं, क्या ये खुद से कोशिश है खुद को बचाने की पहले से? नहीं, आप नहीं बताया नहीं सर, आप सुन लीजिए सर, आप बोलिए। आप नहीं बताया घनश्याम जी कि, और आपके इस टीवी पर उनका इंटरव्यू भी देखने को मिला पर्यटन मंत्री भारत सरकार का, और स्टेट गवर्नमेंट ने जो जारी किया है जैसा ये एडवाइजरी बता रहे हैं वो जारी किया है उसको भी देखने को मिला। अब कोई काम अगर आप कहते हैं तो सबसे पहले खुद करना चाहिए। बहुत पुरानी बात है, शायद आप भी जानते हो कि गांधी जी के पास एक आदमी अपने लड़के को लेके आया और उसने कहा कि बापू ये गुड़ बहुत खाता है, इसको मना करो। तो उन्होंने एक हफ्ते बाद उसको बुलाया और उससे कहा बेटा एक हफ्ते बाद बुलाया कि तुम एक हफ्ते बाद आना। बेचारे कहीं ठहरे एक हफ्ता दिल्ली में, और जब दोबारा एक हफ्ते के बाद गए तो जब प्रार्थना सभा हुई तो फिर आया आदमी, कहा कि बापू आपने एक हफ्ते बाद बुलाया था। तो उन्होंने उस लड़के को बुलाया, कहा बेटा गुड़ मत खाना बड़ी बुरी बात है, और कह के चलते बने। वो पिता बहुत नाराज हुआ कि मैं एक हफ्ते से यहाँ बैठा हुआ था, कैसे कैसे मैं रहा, आपने इतनी बात कह दी है तो आप उस दिन भी कह सकते थे। तो गांधी जी ने कहा कि भाई उस दिन मैं गुड़ खाता था इसलिए मैंने ये बात कही। अब देखिए हाथ मिलाने की बात जहाँ तक है, आज ये अखबार पढ़ रहा था, आज ही ये निकला, मुझे याद आ गया जब आपके यहाँ से मैसेज आया। तो ये देखिए सुषमा स्वराज जी कैरी से मिल रही हैं, यूएस सेक्रेटरी हैं, वो ये लिखा है यहाँ पे, उनसे हाथ मिला रही है। भाई जब या तो पहले आप ही उसको बंद करो, हमने कई बार अखिलेश यादव को हाथ मिलाते हुए देखा है। बीजेपी ने तो नहीं कहा ना सर हाथ मिलाने के लिए, नहीं उन्होंने भी कोई एडवाइजरी जारी की ना कि स्कर्ट ना पहनिए और इस तरह से मत जाइए, अकेले में मत निकलिए। आप ये देखिए इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि आपके देश की कानून व्यवस्था दुनिया में पता चलती है कैसी है। आप अपने देश के लोगों से इतना घबराए हुए हैं कि विदेश के लोगों को, आने वाले लोगों को आप इस तरह की हिदायत दे रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कुछ रह ही नहीं गया है। आपको अपने लोगों से डर लगने लगा कि हमारे लोग कितने गंदे हो गए। आप अपने देश की छवि क्या दुनिया में दिखाना चाह रहे हैं? क्या इस तरह की चीजें करने से आपकी आपकी संस्कृति बढ़ेगी? अगर आपकी संस्कृति बढ़नी है तो पहले संस्कृत का खुद तो फॉलो कीजिए। ना तो आप अपनी संस्कृत फॉलो कर रहे हैं, ना आप अपने दुनिया में अपने देश की इज्जत को बढ़ा रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है, और इस तरह की बात अगर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कर रही है तो बड़ी तकलीफ की बात है। आप बार बार कहते हैं कि अभी बताया रामेश्वर जी ने, दिग्विजय सिंह साहब ने बताया कि आप बार बार ये कहा जाता है कि आप अजनबी से पानी मत लीजिए, आप चाय मत पीजिए, कहीं आपको बेहोश न कर दे। अरे भाई आप ये बार बार करके क्या करना चाहते हैं? आप उसको पकड़िए, उसको निर्भीक बनाइए। अगर हम अपने बच्चे को बार बार यही समझाते रहेंगे तो वो तो कभी निर्भीक हो ही नहीं पाएगा, डर के मारे घर में बैठा रहेगा। आज लड़कियां बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, गेस्ट रिलेशंस में काम कर रही हैं, रिसेप्शन में काम कर रही हैं, और बाहर से लोग गेस्ट आते हैं। अब आप उनको इतना डरा दे रहे हो कि हाथ न मिलाना, ये न करना, वो मत करना, ये क्या तरीका है? ये बहुत ही गलत बात है, और सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि इस तरह की बात करके अपनी प्रतिष्ठा को दुनिया में धूमिल मत करें। वरिष्ठ पत्रकार रामेश्वर पांडे भी मेरे साथ हैं। पांडे जी जरा समझा दीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं या हमको पीछे धकेला जा रहा है इन सो कॉल्ड एडवाइजरी के साथ? आपका एनालिसिस क्या कहता है सर? देखिए पहली बात तो यह है, मैं पुरी साहब ने जो कहा कि दुनिया में हर देश एडवाइजरी भी जारी करता है और कुछ बाध्यताएं भी होती हैं कि भाई ये तो नहीं करना है, ठीक है। अमेरिका ने जब अपने नागरिकों के लिए, हिंदुस्तान के पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की तो हम सारे लोग बहुत बुरा लगा था। वो बुरा लगने की वजह यह थी कि वो हिंदुस्तान को मानते क्या है, कि क्या अमरीकी नागरिक आगे तो असुरक्षित है, तो ये बुरा लगता है। देखिये एडवाइजरी, आगरा और ताजमहल ये एक इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए भी एक शहर है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि केंद्र की और राज्य की, राज्यों की अलग अलग एडवाइजरी अलग अलग कारणों से, लेकिन उसमें गाइडेंस होना चाहिए, उसमें तालमेल होना चाहिए। पहली बात, अगर कोई एडवाइजरी जारी करता है पर्यटकों के हित में तो जारी उसे करना ही चाहिए, लेकिन जब हम ड्रेस कोड, कोई स्कर्ट पहनता हमारी संस्कृति नहीं है, लेकिन जब भी स्कूलों में जब आपने देखा होगा तो हंगामे मच जाते हैं, ड्रेस कोड जब लागू होता है तो पूरे देश में हंगामा खड़ा हो जाता है।
तो ये सब लोग मानते हैं कि भाई जो बालिग लोग हैं उनको आप ड्रेस कोड मत ऊपर से मत थोपिए। इसी तरह अगर पर्यटक आते हैं तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ये परसेप्शन जाएगा कि पुरुषों से हाथ में मिला है अपोजिट सेक्स से, ये एडवाइजरी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूं कि कोई बहुत गलत बात नहीं कह दी थी पर्यटन मंत्री ने, इतने अपराध हो गए, लेकिन जब आप एडवाइजरी करते हैं तो वो उसको एक ऐसा आधार दे देते हैं। आप किसी से बात कीजिए तो कहते हैं भाई रात में उन दिल्ली में स्कर्ट पहन के और 12 बजे लड़कियां घूमे तो मेरा ख्याल न खता हो, लेकिन पता चलता है कि नोएडा के कुछ इलाके हैं, तो उस नजरिए से कहा उन्होंने, बाद में सफाई भी दी। मेरा ये कहना है कि जब आप ऑथेंटिक ढंग से कोई बात कहते हैं तो उसका अर्थ ही होता है। इसका भी ओम प्रकाश सिंह जी को और संजीदगी से इसकी सफाई देनी चाहिए कि यह लोगों से अपोजिट सेक्स से हाथ न मिलाना, ये कहीं एडवाइजरी जस्टिफाइड नहीं है। क्योंकि जैसे हमारा कल्चर है प्रणाम करते हैं, तो विदेशी जब आते हैं तो उनके कल्चर में वो हाथ मिलाते हैं, तो हमारी महिलाएं भी जाती हैं तो हाथ मिलाती हैं, बाहर जाती हैं। तो अगर हम अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो भी अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन विदेशी लोगों के लिए बहुत सराही गई कि हम गए हमने नमस्ते किया, हमारे प्रधानमंत्री गए वो भी नमस्ते किए, हाथ भी मिलाते हैं, ठीक है, लेकिन कोई चीज एडवाइज नहीं की जानी चाहिए। ये समझदार यानी एडवाइजरी की भी जाए लेकिन उसकी और इस तरह एडवाइज अगर किया गया तो लगेगा कि यहाँ, ठीक है सर, इन जनरल पुरुष गलत अर्थ लगा लेते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, मैंने आगरा खुद देखा है, मैंने तमाम पर्यटक का स्वरूप देखा है, पर्यटक आते हैं हाथ मिलाते हैं, पर्यटकों से हाथ मिलाते हैं, गाइड से हाथ मिलाते हैं, कहीं कोई गलत बात नहीं मानी जाती, तो इस एडवाइस की जरूरत नहीं थी। और नया एनालिसिस हो सकता है जिसमें हाथ मिलाना थोड़ा खतरे का संकेत हो। लेकिन दिग्विजय सिंह जी, यूपी में आने पे आप कहते हैं कि आप मुस्कुराइए यूपी में, खासकर लखनऊ के लिए आप कहते हैं, सर इस तरह की एडवाइजरी की बात तो आप डरा रहे हैं, आप डरिए, आप यूपी में हैं, कम से कम हाथ ना मिलाइए लोगों से यहाँ पे आके। नहीं नहीं, देखिए दो बातें, एक तो अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता जी भी कह रहे थे लाइन ऑर्डर की बात, आप भी वही बात कह रहे हो, हम डरा रहे हैं। सर किसी चीज के लिए एहतियातन बोलना वो डराना नहीं होता, आपको हम डरा थोड़ी रहे हैं कि आप वहां मत जाओ, एक एहतियात रखने की बात वाली बात हो रही। और दूसरी बात जो संस्कृत वाली, जो हमारी जो कल्चर है, हमारा जो है, हमारे आप वैसे भी प्रणाम करने का कल्चर है सर, वैसे भी प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की हालत क्या है आप अच्छे से जानते हैं, उसको लेकर किस तरीके से बातें कही जाती हैं, उस पे आप ये कहते हैं, उस पे आप ये कहते हैं अपोजिट सेक्स से हाथ ना मिलाइएगा, ये डराना नहीं है क्या? देखिए दो चीजें, हमारी बात सुनिए, ये थोड़ी कहा गया कि आप किसी से हाथ ना मिलाइए। मेरा एक सवाल है, किसी से ये सवाल, केंद्र के पर्यटन मंत्रालय ने इस तरह की कोई एडवाइजरी जारी की है कि राजस्थान जाने वाले पर्यटक हाथ ना मिलाए? क्या इस तरह की एडवाइजरी जारी की है दूसरे जगहों पर? उत्तर प्रदेश ने अलग से एडवाइजरी की क्यों जरूरत समझी? अगर केंद्र यहाँ तो सबसे अलग चीजें होती है ना सर, यूपी है ये, दिग्विजय सिंह, हर 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 प्रदेश की अपनी अपनी एडवाइजरी होती है, आप उसको भी सारी चीजें, आप क्यों उनको गलत चीजों से, हमने ये थोड़ी बना की तो सर आप सही भी तो नहीं समझा पा रहे ना, इस एडवाइजरी के पीछे सही भावार्थ क्या है वो समझा दीजिए, तर्क दे दीजिए। उस बात को मेरी सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ उस बात का गलत अर्थ निकाला जा रहा है, सही अर्थ आप बता दीजिए ना, फिर डरा रहे हैं ना, धमका रहे हैं कि नहीं, किसी कारणों से कह दिया सर, आप रखा गया अपने यहाँ आने वाले पर्यटकों से कह रहे हैं किसी अपोजिट सेक्स से हाथ ना मिलाइएगा, इसमें कौन सी सही बात है ये मुझे बता दीजिए, इसमें डर पैदा क्यों ना हो? आपके प्रदेश में रहने वाला हर मेल शक के दायरे में आ जाएगा फिर तो, सर आप भी होंगे सर उसमें, हम भी होंगे उसमें। नहीं वो हमारा, देखिए आप दो चीजें हैं, अगर हमारा पहली बात जो संस्कृत वाली बात, जो कल्चर वाली बात है, हमारे यहाँ जो हमारा कल्चर, अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आए और हमारी संस्कृति सीख के जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ठीक, दूसरा हमने किसी को बाध नहीं कर रखा है कि जी, आप, जो है, आप, को आप, आप किसी से भी हाथ ना मिलाओ, अगर कहीं अपोजिट सेक्स वाली बात कहीं रखी गई होगी तो किसी, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, एहतियातन रखी गई होगी, उस बात को बहुत ज्यादा खींचने की आवश्यकता नहीं है। आप हम किसी को डरा रहे हैं इतनी, जो आप जितना आप डिस्कस कर रहे हैं उस बात पर, उतना हम लोग भी सर महेश शर्मा के स्कर्ट वाले बयान पे तो आप खूब हल्ला करते हैं ना सर, खूब मुखालफत की थी, देखिए मुखालफत की थी ना आपने, हाथ, हमारी बात सुन लीजिए,
किसी के हाथ मिलाना हाँ। और किसी पर आप डस्ट कोट थोपना, किसी पर ये सारी चीजें भी आप तय करेंगे, ये सारी चीजें भी आप तय करेंगे ना सर, कौन से बयान को कितना कहां तक तू दे तय कर सकते हाँ। अरे सर किसी के पहनावे को हम आपको ये नहीं कह सकते ठीक है, यानी पहनावे भी गलत है, हाथ ना मिलाइए, ये एक प्रिकॉशन है सर, ये दलील आप नहीं समझा पाए सर, आप तर्क ही नहीं दे पाए। आप मैं आपसे आइए कह सकता हूं कि साहब आप जब ऐसा जाइएगा तो हो सकता है किसी संदिग्ध देख के हाथ ना मिलाइएगा, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि साहब आप कोट पैंट, यानी आप अपने पर्यटकों को वो सुरक्षित माहौल नहीं दे पाएंगे, डरा जरूर देंगे। बहरहाल सर हमारे सर वाइंड अप कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं इस सब्जेक्ट को यही वाइंड अप कर रहा हूँ, ब्रेक ले रहा हूँ, एक ब्रेक ले रहा हूँ सर, ब्रेक के बाद लौटते हैं नए टॉपिक के साथ, आप मेरे साथ रहिए, नहीं समझा पाए बहरहाल आप, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक लें, बिग बुलेटिन लगातार जारी है।